धेरै जसो भारतीय मीडियाहरू जनमानस बीच भ्रम फैलाउने टीआरपी पाउनको लागि कुनै पनि असल मानिसको चरित्र हत्या गर्न समेत पछि नहट्ने अप्रमाणित विषय तथा सम्पादित भिडियो विज्ञापनहरूको प्रयोग गरी अफवाहहरू फैलाउने जस्ता अन्य धेरै अमर्यादित कामहरूले गर्दा यिनीहरू विश्वभर बदनाम छन्। यस्ता झुटा समाचारहरू फैलाउने खालका खराब प्रवृत्तिले गर्दा कतै कतै त मानिसहरूले ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। सन् 2018 को तथ्याङ्क अनुसार यस्ता समाचारहरूले गर्दा भारतमा कम्तीमा पनि 20 जना निर्दोष व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। सन् 2019 फेब्रुअरी 14 कश्मीरमा भएको आतंककारी हमलामा करिब 40 भारतीय सैनिकहरू मारिएका थिए। तर भारतीय मीडियाहरूले भने दुई राष्ट्रबीचको कूटनैतिक सम्बन्धमाथि नै आँच आउने गरी तथ्यहीन तथा तथाकथित बहसहरू आफ्ना च्यानलहरू मार्फत सञ्चालन गरिरहे। 500 रुपैयाँ के दान माग रहे आपके प्रधानमन्त्री, जमिन पर आ जाइए, खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ, जमिन पर आ जाइए, गधे बेचने पड़ जाते हैं चीन को, आपके अंबानी दिए दान आपकी गवर्नमेंट, जमीन पर आ जाइए, आप लोग वहाँ चीन में अपने बच्चों को कोरोना वायरस के बीच में छोड़ देते हैं, जमीन पर आ जाइए। भारतीय मिडियाकर्मीहरूले दुई मुलुक बीच द्वन्द्व चर्काउने र भारत पाकिस्तान बीच अझै सम्बन्ध कमजोर बनाउने खालका तथाकथित एवं तथ्यहीन खबरहरू दिइरहे। जन्म में पाप करते हैं, उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। भारतमा हिन्दू र मुस्लिम बीच भेदभाव, घृणा र दङ्गा मचाउने खालका घृणित खेलहरू राजनीतिज्ञहरूले खेलिरहँदा भारतीय मिडियाहरूले भने यसलाई टीआरपी बटुल्ने ठुलो मौका बनाउँदै अझ भ्रम फैलाउने खबरहरू प्रकाशित गर्दै आइरहेका छन्। और दूसरी बात तो ये है कि मुसलमान तो देश के अंदर रहना नहीं चाहिए। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है तो आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए, ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, जानवरी रहती है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं। लद्दाख क्षेत्र में चीन र भारत बीच सैनिकहरूको बीचमा भएको झडपका बारेमा दुई राष्ट्र बीच सैन्य प्रमुखहरू बीच कूटनैतिक वार्ता भइरहँदा भारतीय मीडियाहरूले भने जनमानस बीच चीन विरुद्ध घृणाको बिउ रोप्ने र उत्तेजना बढाउने खालका झुटा बहसहरू अनि तथ्यहीन समाचारहरू फैलाउँदै थिए। हथियारबारी युद्धक वाहनों के मामले में तो भारत चीन से बहुत आगे है। भारत के पास युद्ध वाले 6,704 वाहन हैं, तो चीन के पास सिर्फ 4,788, फर्क है 1,916 का। अगर युद्ध हुआ तो आसमान से युद्ध लड़ा जाएगा। भारत के पास 2,102 विमान हैं, तो चीन के पास 2,955, विमानों में फर्क है 853 का। यसै बीचमा हालसालै यी दुई देशका सैनिकहरू बीच भएको झडपमा भारतका 20 सैनिक नौजवानहरू मारिएका थिए। तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यस घटनालाई पनि लिएर बनाएका समाचारहरू र सत्यता बीच आकाश जमिनको फरक थियो। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा पनि तथ्य र सत्यताको पर्वाह नगरी यी सञ्चार माध्यमहरूले टीआरपी बटुल्ने लक्ष्यसहित झुटा अफवाहहरू फैलाइरहे। इसलिए चीन की जो सेना है उसे आप एक वीडियो गेम की सेना मान सकते हैं, जो कि सिर्फ शूटिंग के लिए, कैमरे वाली शूटिंग के लिए बनी है, वो लड़ाई नहीं कर सकती। और अगर भारत और चीन के बीच कभी भी लद्दाख जैसे क्षेत्र में कन्वेंशनल वॉर हुआ, जिसमें एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टेक्ट में अगर ये सैनिक आए, तो भारत चीन की सेना पर भारत की सेना बहुत जबरदस्त तरीके से भारी पड़ेगी, ये बात याद रखने वाली है। अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। कोरोना भाइरसको औषधि बाबा रामदेवको पतञ्जलीसँग भएको र यसले 7 दिनमा नै यो भाइरसलाई मानिसको शरीरबाट हटाउने भन्दै स्वयं बाबा रामदेव सहित धेरै भारतीय मिडियाहरूले यसको प्रचार प्रसार गरे। कोरोनाका 100% इलाजका दावा, कोरोना वायरस को 7 दिन में मार देगी ये दवाई, कोरोनिल, कोरोना के लिए रामबाण।
धेरै यस्ता मिडियाहरूले आफ्नै स्टुडियोबाट भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको भन्दै रामदेवलाई बधाई दिँदै भारतीय जनताहरूलाई भ्रामक तथा अवैज्ञानिक किसिमका खबरहरू फैलाए। In India, in fact, it will be a matter of great pride for all of us if the cure for coronavirus comes from India. यसै गरी इनै मिडियाहरूले नै नामी गुण्डा भनेर चिनिने दाउद अब्राहिमको समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको भनी अप्रमाणित एवं झुठा खबरहरू मानिसहरूलाई दिन समेत पछि हटेन। दाउद इब्राहिम, a terrorist adorned Dawood Ibrahim that India has been looking for a very long time, who's been harboring in Pakistan, has lost his life due to COVID-19 at 8 PM yesterday. This is of course at PM right now. हम तो समझते थे कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं बना था, ससुरा 2020 में आके चाइना का पैसा से गुलाम बन गया। चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि 70 साल में पहली बार नेपाल जो है वो इस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है सर, भारत को नक्शा पास कर लिया उन्होंने। हालसालै नेपाल सरकारले पुनः प्रकाशित गरेको नयाँ नक्शालाई लिएर भारतीय संचार माध्यमहरूमा खैला बैला मचिएको छ। Tell you why I will prove to you on my program that you are acting as Chinese puppets. Don't mind the straightforward language I use. I'll tell you why. Because what you are saying, your eminent persons group and all did, is something that China announced on the 9th of August 2017. What are you saying, sir? How did China read your mind? And allow me to give you the example of this. Let me elucidate this. कुनै पनि प्रमाण बिना लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र काला पानी भारतकै भएको दाबी गर्ने, नेपाललाई सानो राष्ट्र अथवा आफ्नो कान्छो भाइ भएको अनि भारतसँग कूटनैतिक बहस गर्ने हैसियत नेपालको नभएको र नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच तुलना गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले अति नै अमर्यादित, तथ्यहीन अनि तुच्छ शब्दहरूको प्रयोग गरी जनमानसमा उत्तेजना बढाउने खालको भ्रामक खबरहरू तथा बहसहरू आफ्ना आफ्ना च्यानलहरू मार्फतबाट देखाइरहे। बॉर्डर विवाद और दूसरे वहां के पीएम जी, उनके बयान देखिए ना कि वो अपनी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि साहब ये जो कोरोना वायरस है ये दुनिया को वुहान की नहीं भारत की देन है, वो इस तरीके के बेहुदा बयान दे रहे हैं सर। तो कब तक ऐसे छोटा भाई कहकर हम उसको नजरअंदाज करेंगे? मैं सिर्फ नीति को लेकर जानना चाहती हूँ सर, क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यसै क्रममा नेपालमा COVID-19 को नियन्त्रणमा हिलचेक्राइहरू भइरहँदा युवाहरू यसको विरुद्धमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। तर सोही विषयलाई लिएर केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा विरुद्ध नेपालीहरू सडकमा उत्रिएको भनी भ्रामक खबरहरू फैलाउन समेत पछि परेन।